खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पिछली बार हारी 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसमें धार जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कालू सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन लगता है कि पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही। कालू सिंह ठाकुर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से उनके अभद्र भाषा के ऑडियो वायरल होने लगे हैं। वायरल ऑडियो में कालू सिंह के द्वारा एक महिला से बातचीत के दौरान भील आदिवासी समाज को अभद्र भाषा में बातचीत की गई। ये ऑडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। ऑडियो पूर्व गृह मंत्री जगदीश मुवेल का भी वायरल हुआ है। उसके बाद से ही भील समाज के लोग आक्रोशित हैं। आज सड़कों पर भारी तादाद में आदिवासी समाज के युवा कालू सिंह ठाकुर व जगदीश मुवेल का पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित समाजजनों के द्वारा कालू सिंह के पोस्टर पर जूतों की माला पहनाई गई। वीडियो में युवक नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि भील समाज के गद्दारों को गोली मारो सालों को। साथ ही इन पोस्टर्स का दहन भी किया गया के अलावा अर्थी भी निकाली गई। इसके बाद सभी युवा इकट्ठा होकर पुलिस थाने पहुंचे। यहां उन्होंने कालू सिंह के वायरल ऑडियो के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बता दें कालू सिंह ठाकुर पूर्व में भी विवादों में रह चुके हैं। बताया जाता है कि वे विधायक थे, तब खुद का अपहरण की भी कहानी वे रच चुके हैं। क्षेत्र में उनकी दबंगाई से हर कोई परिचित है। कालू सिंह ठाकुर को टिकट दिए जाने से पार्टी के अंदर कलह भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की धर्मपुरी विधानसभा की फतेह करने की मशाल पर पानी फिरते नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।